मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में बाढ़ और अतिवृष्टि के पश्चात बाढ़ प्रभावितों से मिलने, मकानों एवं खेती का जायजा लेने लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन के मंत्री तुलसीराम सिलावट, राजस्व एवं परिवहन विभाग के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मानन खेड़ा पिपला जोधा में पहुंचकर बाढ़ पीड़ितों को सहायता का आश्वासन दिया। इस दौरान पिपला जोधा में सभा को संबोधित भी किया गया और बाढ़ प्रभावित परिवारों को सहायता का आश्वासन दिया। संबोधन में सिंधिया ने कहा कि रतलाम मंदसौर जिले में जो प्राकृतिक आपदा आई है, यह सिर्फ रतलाम व मंदसौर जिले की ही नहीं बल्कि एक प्रादेशिक स्तर की आपदा है, यह एक राष्ट्र स्तर की आपदा है। बाढ़ प्रभावित किसानों को मुआवजे की राशि जल्द से जल्द प्रदान की जाएगी। मध्य प्रदेश आपदा के संबंध में 10,000 करोड़ का प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेजा गया है। मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार के आपदा राहत कोष से भी सहायता मिलनी चाहिए। उन्होंने विशेष तौर पर कहा कि दुख की इस घड़ी में सरकार हमेशा आपके साथ है। आगामी 2 से 3 सप्ताह में सभी किसानों को राहत राशि मिल जाएगी। अभी तक जिले में 250 करोड़ की राहत राशि प्रभावितों को मिल चुकी है। आगामी दिनों में भी सभी लोगों को मुआवजा समय पर मिल जाएगा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे के दौरान लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन के मंत्री तुलसीराम सिलावट, राजस्व एवं परिवहन विभाग के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्व सांसद सुश्री मीनाक्षी नटराजन, विधायक प्रत्याशी के सिंह कालू खेड़ा, सभी जन प्रतिनिधि, कलेक्टर रुचिका चौहान, पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी एवं बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और किसान मौजूद थे। रतलाम से राहुल बैरागी की रिपोर्ट। ये अतिवृष्टि नहीं है, ये तो एक इस अंचल के लिए, मेरे मालवा के लिए एक आपदा की स्थिति है। ऐसी घोर स्थिति मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी है, जहाँ खेत में एक एक दो दो फुट पानी नहीं लेकिन छाती तक पानी देखने को मिला है। फसल पूरी तरह से नष्ट है, पशु हानि भी हुई है, घर गृहस्थी की हानि हुई है और चिंता तो इस बात की है कि जब सोया और उड़दा और मूंग की फसल की इतनी हानि हुई है तो रबी की फसल किस आधार पर मेरा किसान बो पाएगा। प्रदेश सरकार की तरफ से मुआवजा राशि जल्द से जल्द दी जानी चाहिए और बीमा कंपनियों के द्वारा भी राशि दी जानी चाहिए और केंद्र सरकार का भी योगदान होना चाहिए। 10,000 करोड़ का प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार ने भेजा है केंद्र सरकार को और केंद्र सरकार को जल्द से जल्द राशि मध्य प्रदेश को पहुंचाना चाहिए। ऐसी आपदा की स्थिति में राजनीति के लिए कोई जगह नहीं होना चाहिए, ना कांग्रेस ना बीजेपी, ये जनता का मामला है और हर सरकार को अपना पूरा योगदान देना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।